दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ गोदरेज के 6.2 केजी टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के रिव्यू दूंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये वॉशिंग मशीन किस तरह से काम करता है और इसका वॉशिंग क्वालिटी कैसा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर प्रोग्रामिंग है और मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगी। ये पावर बटन है और यहाँ देखिए स्टार्ट और पॉज का बटन है। इधर वाटर लेवल और वॉश साइकिल दिया हुआ है। सबसे पहले हम स्विच को ऑन कर दिए और टैप खोल दिए हैं और देखिए इधर पावर बटन और स्टार्ट है। तो हम अभी आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए ये वाटर लेवल चार तरह का है, हाई मीडियम लो और मिनिमम। और हम ड्रेनेज पाइप को नीचे निकाल दिए हैं और देखिए अंदर ये वॉश टब है। ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इसके साइड में देखिए एक लीन फिल्टर है। जब हम कपड़े धोते हैं कपड़े के रेशे धागे जितने सारे गंदगी इसमें जमा हो जाता है। इसको साफ़ करने के बाद फिर हम इस तरह से इसको लगा सकते हैं। और इधर देखिए डिटर्जेंट कंपार्टमेंट है, इसमें हम जब डिटर्जेंट डालेंगे तो पानी के साथ मिल के वो कपड़े के अंदर आता है नीचे वॉशिंग टब में। और ये जो स्टेनलेस स्टील का देखिए इधर टर्बो पल्सेटर है, इससे हमारा कपड़े का वॉशिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। और जब हमें कुछ सफाई करना होगा वॉशिंग मशीन में ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इधर से हम खोल के इसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम इसको किए नहीं हैं क्योंकि हमारा वॉशिंग मशीन अभी उतना गंदा हुआ नहीं है। तो चलिए हम अभी आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। हम अभी कपड़े डाल लेते हैं इसके अंदर। अभी हम बड़ा बड़ा बेडशीट इसमें डाल रहे हैं। अभी हम पावर बटन को प्रेस कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट बटन को भी प्रेस कर देंगे। देखिए अभी हमारे कपड़े अंदर ऐसे घूम रहा है, वॉशिंग मशीन मेज़र कर रहा है कि कितना वेट है कपड़े का, उसी हिसाब से सिलेक्ट होगा वाटर लेवल। तो अभी फिर देखिए ये मेज़रमेंट हो गया कितना कपड़े का वेट है, तो पानी लेने लगा वॉशिंग मशीन। और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉशिंग मशीन ऑटो में सेट है, तो देखिए डिस्प्ले में ऑटो आ रहा है और इधर लो में सेट हुआ है। अभी हम कोई भी बटन इसमें प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑटो में सेट है। हम कपड़े को थोड़ा सा अच्छा से अंदर कर दिए हैं और देखिए वॉशिंग मशीन अभी इसमें पानी लेने लगा, वॉश टब में पानी भरने लगा और उसके बाद ये रोल रोल करके अपने कपड़े को वॉश कर रहा है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज और कभी ऊपर कभी नीचे घुमा घुमा के कर रहा है। इस वॉशिंग मशीन में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये कपड़े को थोड़ी देर के लिए सोक करता है, जैसे वॉश करता है तो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, सोक करेगा और फिर वॉश करेगा, सोक करेगा वॉश करेगा, इस तरह से 10-12 बार ये करता है। और देखिए अभी पानी छोड़ने लगा और उसके बाद कपड़े को बहुत तेज़ी से घुमा के सुखा देता है।
ये प्रोसेस करने में पूरा आधा घंटा लगता है फर्स्ट साइकिल में। जब ये कपड़े को सुखाता है तब भी ड्रेनेज पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी निकल जाता है और सेकेंड साइकिल में भी पानी लेने लगा। सेकेंड साइकिल में कपड़े को ये थोड़ा धीरे धीरे घुमाता है वॉशिंग मशीन और जैसे जैसे ज़रूरत होता है बीच बीच में पानी लेते रहता है। सेकेंड साइकिल ज़्यादा देर का नहीं होता है, थोड़ी देर का ही होता है। देखिए धीरे धीरे घूम रहा है सेकेंड साइकिल में। अभी ज़रूरत के अनुसार ये पानी भी लेने लगेगा। थोड़ी देर घुमाने के बाद देखिए बीच बीच में पानी ले रहा है और फिर घुमा रहा है। ये सेकेंड बार हो रहा है। इस साइकिल में कपड़े को सोक और वाश नहीं करता है वॉशिंग मशीन, कपड़े को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहता है। और देखिए डिस्प्ले में अभी ये पानी फिर से छोड़ने लगा और रिंस होने लगा है। ये हमारा सेकंड साइकिल अभी पूरा हो जाएगा। अभी वॉशिंग मशीन थर्ड बार पानी लेने लगा। ये थर्ड साइकिल हो रहा है। अभी वॉश कर रहा है रोल रोल करके, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा घुमा के कपड़े को वॉश कर रहा है। और फिर से पानी छोड़ने लगा और अभी स्पिन हो रहा है। दोस्तों ये स्पिन का प्रोसेस 10 मिनट्स तक चलता है। देखिए डिस्प्ले में दिखा रहा है स्पिन हो रहा है। और देखिए अभी वॉशिंग पूरा हो गया। देखिए बहुत ही म्यूज़िक अच्छा आ रहा है। और हम यहाँ से स्विच को ऑफ कर दिए और टैप को भी बंद कर दिए हैं। और इस वॉशिंग मशीन का वॉशिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी इस वॉशिंग मशीन को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों के कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूरी आंसर देने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।